ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पार्ट 2। आज हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का पार्ट 2 देखेंगे। पहले हमने देखा था पार्ट 1, और मैं हूँ डॉक्टर श्यामवीर गोरैया, असिस्टेंट प्रोफेसर, रोग निदान डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। आज हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के साइंस सिम्टम्स क्या होते हैं एटसेट्रा सभी आगे देखते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स, द सिम्टम्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिजीज एज वेल एज पर्सन इम्यून सिस्टम। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड क्या क्या रहेंगे इसमें? एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड शुगर चेंजेस, डाइजेस्टिव और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, डिजीनेस, एलिवेटेड फीवर एंड हाई ब्लड टेम्परेचर, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू कोल्ड इन द हैंड्स एंड फीट, फैटिग, इनफर्टिलिटी। अब देखते हैं इन्फ्लामेशन, इरिटेबिलिटी, लो एंड हाई ब्लड प्रेशर, मैनेज वीकनेस एंड स्टिफनेस इन मसल्स एंड जॉइंट्स, वेट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू, इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गन और टिश्यू। पैथोफिजियोलॉजी, एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स, टी सेल्स, बी सेल, केमिकल एंड मेडिकल एंटीबॉडीज, साइटोकिनिन, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी अगेंस्ट अनमोडिफाइड सेल कंपोनेंट, ऑटो एंटीजेंस, और फिर इसमें जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, अल्टर्ड इम्यून रेगुलेशन। इस प्रकार से ऑटो इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर प्रकट हो जाते हैं। थैंक यू।